बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर चुका है और आपको भी कंफ्यूज करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपसे कह रहा है अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर की। यहाँ तक समझें, एक क्या क्रिकेटर है, क्रिकेटर ने एक बॉल को फेंका और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 160 मीटर की है। तो यहाँ तक सॉल्व करो, इतना जल्दी से देखो आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सिंस वी नो दैट आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू दे रखी है 160 मीटर की, यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, जी ऐसे रहेगा। अब देखो मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू वन हो जाएगी और ये तभी हो सकती है जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो उस कंडीशन में जो रेंज हुई है वो 160 मीटर की हुई है। तो ये 160 इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, 160 इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा जी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये है जी की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1600, मतलब यू इज इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 40 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। अब यहाँ आगे बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। अगर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात करता और प्रोजेक्टाइल मोशन करवाता, है ना, क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन करवाता और मैक्सिमम हाइट का जिक्र करता, तो मैक्सिमम हाइट में फिर वो ये मैक्सिमम हाइट ही बोलता, ये बोलता मैक्सिमम हाइट। लेकिन यहाँ पर बोला नहीं वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को वो सीधा फेंक रहा है। हमसे कह रहा कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल, जिसको वो ऊपर की तरफ को फेंक सकता है। बताओ आपके पास एक बॉल है आपको ऊपर की तरफ को फेंकना, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए ना। तो इस कंडीशन में आप जो है, इस कंडीशन में आप जो है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हाइट वाला। कभी हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो और फिर कहोगे सर हमारा आंसर तो कुछ अलग आ गया, तो भाई आपका आंसर गलत आ जाएगा, इससे आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो आप इससे। जब आप मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखोगे, तो उस हिसाब से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है ना उसको रिप्रेजेंट करता, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे वर्टिकल हाइट पूछा, तो वर्टिकल हाइट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को फेंका गया है। तो फिर इसका देने का मतलब क्या था, इसका देने का मतलब ये था कि आपको इनिशियल वेलोसिटी का पता चल जाए, जो कि आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो आप देखेंगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। आपसे कह रहा कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट बताओ, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए आप कहेंगे फोर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है, लीनियर मोशन हो रही है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को फेंका जा रहा है। तब आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को फेंका जाएगा तो इसकी स्पीड लगातार कम होती चली जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। चूँकि वर्टिकल मोशन हो रही है तो जी की वैल्यू निगेटिव में लेते हैं। जी की वैल्यू निगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ को हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को लग रहा है, तो जी नीचे को लगता है एक्चुअल में, लेकिन आप मोशन को जब ऊपर लेते हैं तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करा रहे हो, तो जी की वैल्यू निगेटिव लेते हो आप, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करोगे तो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40, तो यहाँ पर कर दोगे 40 का स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे रहेगा, जी की वैल्यू 10 है और हाइट आपसे पूछ रहा है तो इसको आप एच कह दो, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 चुक 1600 इज इक्वल टू माइनस के 20 एच। तो माइनस से माइनस कटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से 160 को काटोगे तो 80 बार चला जाएगा, तो हाइट निकल कर आ जाएगी 80 मीटर की, ठीक है भाई, क्लियर है। तो बस इस तरह से लगाना, आप ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो इसमें गलत हो जाएगा आंसर,
बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर साइन 30 डिग्री रखोगे, वो 45 डिग्री रखोगे, और जैसे 45 डिग्री रखोगे तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी। एक्चुअल में ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर वर्टिकल की बात कर रहा है। क्वेश्चन को जो है ना ध्यान से पढ़ा, हमसे कह रहा है वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रू द बॉल, बॉल को कहाँ तक वो पहुँचा सकता है, उसकी डिस्टेंस मतलब वर्टिकल हाइट। ठीक है, होप सो समझ में आ गया। और अब इस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।